नमस्कार, मैं हूँ सुप्रीति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। करवा चौथ के दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चांद देखने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत इस साल बुधवार 4 नवंबर 2020 को रखा जाएगा। ये व्रत सूर्योदय से पहले शुरू होता है, जिसे चांद निकलने तक रखा जाता है। इस व्रत में सास अपनी बहू को सर्गी देती है। इस सर्गी को लेकर बहू अपने व्रत की शुरुआत करती है। ऐसे में सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं, सर्गी के रूप में मिला हुआ भोजन करें, पानी पिएं और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। करवा चौथ में महिलाएं पूरे दिन जल अन्न कुछ ग्रहण नहीं करती। शाम के समय चांद को देखने के बाद दर्शन कर व्रत खोलती हैं। पूजा के लिए शाम के समय एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना कर इसमें करवे रखें। एक थाली में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर रखें और घी का दीपक जलाएं। पूजा चांद निकलने के एक घंटे पहले ही शुरू कर देनी चाहिए। इस दिन महिलाएं एक साथ मिलकर पूजा करती हैं। अगर इस बार ये कर पाना मुश्किल है तो आप घर पर अकेले ही पूजा अपनी संपन्न कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।